हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अरबी की सूखी सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने कढ़ाई में अरबी फ्राई करने के लिए सरसों का तेल लिया है। अरबी को हमने छील के अच्छे से धोकर फ्रेंच फ्राई शेप में कट कर लिया था। अरबी को कट करने से पहले आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, इससे इचिंग नहीं होगी बाद में। अरबी को हम यहाँ पर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है इसको। अरबी यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। अब इसी ऑयल में हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 से 3 ही हरी मिर्च काट के अच्छे से इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। यहाँ पे हम मसाले डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। मसाला हमारे जैसे ही थोड़ा सा हो जाता है तो इसमें हम 2 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे। ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। एक बार और चला लेंगे इसको। अब हम इसमें अपनी फ्राई करी हुई अरबी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अरबी हमारी तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें एंड एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।